पीओ होगा दोस्तों, उसके लिए इंग्लिश आपका अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि उसमें जा देखो एक बार ग्रामर ठीक कर लो कम से कम, बता रहा हूँ एक बार ना ग्रामर आप टॉपिक वाइज ठीक कर लो एक बार एकदम, ठीक है? ग्रामर टॉपिक वाइज ठीक हो जाएगा, उसके बाद रीडिंग कंटिन्यू रखो डेली बेसिस पे। मैं दे अभी रहा हूँ उसमें कि कम से कम 1 घंटा जो है ना रीडिंग के ऊपर दो, 1 घंटा, पसंद आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, जरूरी है तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं करो कि हमको मन नहीं लगता है, आप ये सोचो ना कि आपके लिए जरूरी है ना, ठीक है? आपके लिए जरूरी है तो आप कर ले जाओगे पक्का एकदम, ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान में रखना। और टॉपिक वाइज जब पहले ये कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा जब रीडिंग कंटिन्यू रखोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा एकदम। कितना बार कह रहे हो, कर तो रहा हूँ, ठीक है? और जब समझ में आना शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना एकदम, कि आरसी कैसे सॉल्व करते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पे देख करके फिर प्रैक्टिस करना हो जाएगा। मनीष कुमार इस बार सर, इस बार बोल रहा है SBI कलर की वैकेंसी ज़्यादा आएगी। देखो एक बात हमेशा जान लो, ज़्यादा है कम है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ज़्यादा भी आता है तो क्या, कम वाले का सिलेक्शन कभी भी होता है क्या? कभी भी ज़्यादा आएगा तो कितना ज़्यादा आ जाता है, कितना ज़्यादा आ सकता है ये तो बताओ। ऐसा तो नहीं कि आधा लाख आ जाएगा, कुछ मुछ बढ़ जाता है, कुछ मुछ बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी तो ज़्यादा है ना, ठीक है? पहले तो लोग, पता है, पहले लोग RRB का इंतज़ार करता है, RRB का फॉर्म हर कोई भरता है, प्योर कलर हर कोई भरता है, उसके बाद जो वाला जो एग्ज़ाम है ना उसके बाद वाला IBPS कलर और SBI कलर, ठीक है ना? ये दो जो एग्ज़ाम है ना इसका भी फॉर्म हर कोई फिल करेगा। SBI PO का बहुत लोग सीधा दूर से ही प्रणाम कर लेता है कि नहीं मेरे बस का नहीं है ये, ठीक है ना? और उससे कुछ बचता है, कुछ लोग IBPS PO को भी छोड़ देता है कि नहीं, खास करके डिस्क्रिप्टिव वगैरह लेकर को कि नहीं, हमसे नहीं होगा, ये है वो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सर समझ में आता है, इंग्लिश ट्यूटोरियल भी समझ में आता है बट गलत हो जाता है मॉक में, तो मॉक में तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना शुरू करो ना। देखो कितना टॉपिक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए तो दे रहा हूँ। आप कुछ नहीं, आप डेली टारगेट फॉलो करो, उसमें जो जो टॉपिक मैं देता हूँ ना वो टॉपिक सब आप करना शुरू कर दो, ठीक है ना? उस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से उसका प्रैक्टिस कर लिया करो कि कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते, जब इतना जब समझ में आता है सब कुछ है तो फिर आगे कोई इश्यू ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? RC सॉल्व करना सीख लो, क्लोज टेस्ट सॉल्व करना सीख लो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहता है ये सब, ग्रामर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपका इधर फाइंड करना वगैरह ग्रामर रहेगा तो वो सब हो जाएगा एकदम, ठीक है? सर मेरा रिव्यू मेंस मॉक में 20-25 के बीच में आ रहा है। 20-25 के बीच में क्या आ रहा है, किस सब्जेक्ट में? रीजनिंग 25-30 आ रहा है, 25-30 आ रहा है तो और ठीक है एकदम, उतना उससे ज़्यादा उम्मीद आप मत करना, क्योंकि रीजनिंग इंग्लिश किस रीजनिंग में 25-30 आ रहा है तो ठीक है, कोई ये नहीं है, मतलब आप ना मैथ रीजनिंग मिला करके कोशिश ये करना कि 60 तक अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है? सर समझ में आता है ट्यूटोरियल लेकिन मॉक में गलत है। मॉक तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लर्निंग नीति के मॉक में देखो होता क्या है ना कि अब कौन सा मॉक कैसा है, ठीक है? इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ दोस्तों कि दो तीन कंपनी का मॉक रखा करो, एक के ऊपर आप भरोसा अंधभक्त मत बन जाओ कभी भी किसी का भी, ठीक है ना? एक के ऊपर कभी भरोसा मत करो, आप दो तीन कंपनी का मॉक रखा करो ताकि आपका ना प्रैक्टिस हर एक टाइप का हो जाए। ऐसा नहीं है कि हाँ आप एक ही को लेकर के बना बना के खुश हो रहे हो, ठीक है? आपको प्रैक्टिस करना है हर एक टाइप का, क्यों आप एक को फॉलो करके रखोगे? दो तीन कंपनी का रखा करो ना, सब में लगा करके देखो, और किसी में भी लगाओ, फोकस आप स्कोर के ऊपर मत करो, आप परसेंटाइल देखो, ठीक है ना? कि आपका परसेंटाइल 90+ है कि नहीं, 90+ होगा तो आपका कभी किसी भी रिजल्ट में जो है ना आपका नहीं रुक पाएगा। ये क्या हो गया, अरे अरे,